हेलो व्यूवर्स, पद्मा का प्यार भरा नमस्कार। वीडियो की शुरुआत इन सुंदर सुंदर फूलों के साथ, और जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो भी एक फ्लावरिंग प्लांट्स का ही है। बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट्स है और ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है साथ ही साथ, लेकिन हम लोग तो अपने फ्लावर्स के लिए इसको लगाते हैं। और ये प्लांट देखिए आपके सामने है, और ये है हमारा प्लम्बेगो का प्लांट। इसको नॉर्मली चित्रक का प्लांट भी बोलते हैं फ्रेंड्स, और इसमें बहुत सा खूबसूरत खूबसूरत इस तरीके के गुच्छों में फ्लावर्स आते हैं। ये देखिए इस तरीके की कलियाँ आती हैं, खूब सारे ये खिलते रहते हैं इस तरीके का। ये फ्रेंड्स चित्रक का प्लांट एक ये जड़ी बूटियों वाला प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है। इससे बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, और ये एक श्रब नुमा पौधा है, जंगली पौधा से माना जाता है। जंगलों में ये बहुत उगता है, और इसकी जड़ों से इसकी पत्तियों से दवाइयाँ बहुत सारी बनती हैं। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पेट की प्रॉब्लम्स, उन सब में इनका बहुत दवाई बनाई जाती है। इसके विषय में तो हम बात नहीं करेंगे, हमने तो अपने फूलों की खूबसूरती के लिए इस प्लांट को लगाया है। देखिए इसकी, और इसकी हर ब्रांच पर इस तरीके से गुच्छे टाइप आते हैं। तो जब फ्लावर बन जाए तो ब्रांच की पिंचिंग कर दें तो फिर उससे और ब्रांचें निकलेंगी, और ये एक झाड़ी नुमा पौधा बन जाएगा। यदि गमले में लगाते हैं तो उतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन यदि ज़मीन पर लगाएं तो बहुत ही झाड़ी नुमा बन जाता है पौधा। इसके फ्लावर्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसमें तीन तरह के फ्लावर्स आते हैं। ये थोड़ा मेरा ब्लूइश कलर का है, थोड़ा नीलापन लिए हुए फूल है। इसी में एक वाइट कलर आता है और एक रेड कलर आता है, तो वो भी मैं ला के सोच रही हूँ लगाऊंगी, क्योंकि इसके फ्लावर बहुत खूबसूरत लगते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट्स की तो क्या कहें, इतने सारी वैरायटी होती हैं, क्या क्या ला के लगाऊँ। लेकिन मुझे ये नर्सरी में दिख गया तो मैंने इसको ख़रीदा, और लोगों के यहाँ भी मैंने इसको देखा था, तो मैं बहुत देर से सोच रही थी इस प्लांट को लाऊंगी, की बार लगा लूँगी। और ये समर का ही, मैं इसी बार इसको लाई थी, और मैंने बहुत छोटा सा पौधा मैं लाई थी, लेकिन अब देखिए कितना बड़ा हो गया लगाते उगाते। और मेरी तो कोशिश रहती है, मैं ज़्यादातर ज़मीन में ही पौधे लगाती हूँ फूलों वाले, और नहीं तो गमले में भी अच्छा चलता है। और इसका ग्रोइंग पीरियड ये गर्मियों में ही फ्लावरिंग करता है फ्रेंड, सर्दियों में तो ये डोरमेंसी में चला जाता है गर्मियों में। और मिट्टी की बात करेंगे तो ज़मीन में तो चाहे जैसी मिट्टी हो लगा लीजिए, लेकिन गमले के लिए तो जैसे नॉर्मल हम मिट्टी लेते हैं, एक भाग मिट्टी एक भाग खाद और एक भाग रेत लेकर के बेल्जियन मिट्टी में से लगाएं। और पानी की बात करेंगे तो फ्रेंड्स इसको मॉइस्ट मिट्टी पसंद है। देख रहे हैं बरसात में ही ये बहुत अच्छे से फैलता है, बरसात का पानी पाता है। और लेकिन फिर भी इसकी यदि गमले में लगाया तो थोड़ी मिट्टी इसकी मॉइस्ट रखे फ्रेंड्स। और फ्लावरिंग प्लांट्स है तो धूप चाहिए ही चाहिए इसको, और धूप ऐसी जगह लगाएं जहाँ इसे अच्छे से धूप मिले। और अब हम इसके फर्टिलाइज़र पे बात करेंगे, तो फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र में इसको गोबर की खाद ही दें आप, ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए। ये वैसे बहुत हार्डी प्लांट है, श्रब प्लांट है, लेकिन फिर भी हम लोग यदि गमले में लगाते हैं तो थोड़ा उसकी मिट्टी अच्छी बनाते हैं। और सबसे अच्छा तो हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वर्मी कंपोस्ट का या गोबर का डाल दें, और फूलों वाले प्लांट्स में जो हम फर्टिलाइज़र लिक्विड बीच बीच में डालते रहते हैं वही डाल दें। यदि आपने गमले में लगा रखा है, और ज़मीन में तो मैंने जब से लगाया तब से मैंने इसमें कुछ अभी फ़िलहाल ज़्यादा डाला ही नहीं है। तो ये है। और प्रोपोगेशन की बात करें तो फ्रेंड्स प्रोपोगेशन कहते हैं ये ब्रांच की कटिंग से प्रोपोगेट हो जाता है, लेकिन मैंने इसको किया नहीं है। देखती हूँ अब की बार लगा दूँगी कहीं ब्रांच, यदि सक्सेस मिलती है तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये ब्रांच से हो जाता है, लेकिन सुना है ब्रांच कटिंग से ये प्रोपोगेशन इसकी हो जाती है। तो ये बहुत ही सुंदर श्रब वाला प्लांट है, काफ़ी तेज़ी से फैलता है। और पेस्ट अटैक की बात करेंगे तो देखिए पेस्ट तो वैसे भी आजकल जो बरसात है तो कुछ ना कुछ पत्ते काट ही रहे हैं पौधे, लेकिन मैं फिर भी अपने फ्लावरिंग प्लांट्स पे तो मैं नीम ऑयल का ही स्प्रे ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि और कोई इस तरीके का यदि केमिकल इंसेक्टिसाइड डालो तो उनके फ्लावर्स पे असर आ जाता है उतने, इसलिए मैं जितने फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन पे तो नीम ऑयल का ही स्प्रे करती हूँ, थोड़ा सा लिक्विड सोप मिला करके वही करती हूँ। और बाकी पे बहुत बड़ा गार्डन है तो उसमें थोड़ा बहुत केमिकल के भी इंसेक्टिसाइड, क्योंकि
क्योंकि इस समय बहुत कीड़ों का प्रकोप चल रहा है, अजीब अजीब से कीड़े अटैक कर रहे हैं पौधों पर। तो इतनी ही प्यारे से चित्रक प्लांट की जानकारी है फ्रेंड। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ना किया हो तो फ्रेंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।